वेलकम स्टूडेंट, चैप्टर वन क्लास टेन, चैप्टर वन रियल नंबर कंटिन्यू किया हुआ है स्टूडेंट हमने। और रियल नंबर में हमारा लास्ट टॉपिक बचता है रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। इसी टाइप का टॉपिक हमने नाइन्थ में भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है स्टूडेंट। रेशनल इरेशनल हमने सब पढ़ लिया, सब प्रूव कर लिया। डेसिमल एक्सपेंशन नाइन्थ में भी हमने डिवाइड करके चेक किया था। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। तो इसमें सबसे फर्स्ट पे क्या है कि अगर एक्स कोई भी रेशनल नंबर है, एक्स बी ए रेशनल नंबर, एक्स बी ए रेशनल नंबर, तो एक्स को हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। और Q के डेसिमल एक्स डेसिमल जो Q है, Q को हम रिप्रेजेंट करेंगे 2 की पावर m 5 की पावर n की फॉर्म में। अगर एक्सप्रेस्ड हो सकता हो तो x हमारा रेशनल नंबर टर्मिनेट्स हो जाएगा हमारा। आप समझना इसको, एक्स कोई भी रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर में या तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अगर एक्स को हमने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, क्यू अगर 2 की पावर एम और 5 की पावर एम, एम और एन नेचुरल नंबर रहेंगे, क्यू अगर आपका 2 की पावर एम 5 की पावर एम की 5 की पावर एन कि फॉर्म में एक्सप्रेस्ड किया जा सकता हो, देन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर विल बी टर्मिनेट। तो डेसिमल एक्सपेंशन उसका टर्मिनेट होगा। जैसे 3/8, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं 3/8। अभी तो हम इसके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, हम इसको डिवाइड करके देखेंगे कि पॉइंट के कुछ प्लेस पे ये टर्मिनेट्स होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आता है। तो हमने यहां पे क्या कहा है, क्यू को 2 की पावर एम 5 की पावर एन की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है नहीं। अगर ये किया जा सकता होगा तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म हम इसको डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये टर्मिनेट्स हो। तो 3/8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहां पे 5 की पावर 3 मुझे चाहिएगा क्योंकि m और n हमें सेम करना पड़ेगा। तो 5 की पावर अगर 3 यहां पे मैं लिखूंगा तो 5 की पावर 3 यहां पे भी मुझे लिखनी पड़ेगी। तो 5 की पावर 3 मीन्स 125, 2 की पावर 3 5 की पावर 3 10 की पावर 3 इनके प्रोडक्ट करेंगे हमने डिवाइड किए बिना इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर लिया जो टर्मिनेट था। तो यहां से कि क्लियर हो गया कि अगर एक्स कोई भी एक रेशनल नंबर है और एक्स को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया हो तो क्यू के डेसिमल एक्सपेंशन यदि 2 की पावर एम 5 की पावर एन की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स होगा। सेम इसका ओपोजिट भी है, अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स है तो वो रेशनल नंबर डेफिनेट होगा। तो फर्स्ट इस टाइप के अगर आपके पास ये एग्जाम में पूछा जा सकता है तो आप डायरेक्ट चेक कर लेंगे। सबसे पहले आप डिनोमिनेटर के फैक्टर कर लेंगे। बस यहां पे आपको ध्यान रखना है उसके फैक्टर 2 और 5 के अलावा नहीं होने चाहिए क्योंकि यही हमारी प्रॉपर्टी है इसमें। अगर 2 और 5 के अलावा होंगे तो वो फिर टर्मिनेट नहीं होगा। ये वाला आई थिंक आप समझ गए हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट इसका एक टॉपिक और लेते हैं।
इसके बाद सेकंड है स्टूडेंट, अगर एक्स बी है रेशनल नंबर, एक्स कोई भी रेशनल नंबर है और एक्स को आपने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा है और क्यू क्यू के जो प्राइम फैक्टर है वो नोट एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ टू की पावर एन फाइव की पावर एन, एक्स कोई भी रेशनल नंबर है, एक्स को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्यू के जो प्राइम फैक्टर है वो 2 की पावर n, 5 की पावर n की फॉर्म में एक्सप्रेस ना किए जा सकते हो, तो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा रेशनल नंबर का वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकूरिंग होगा, जैसे 1 upon 7 आ गया यहाँ पे, तो इसको 7 को आप 2 की पावर और 5 की पावर एम में नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 7 है। तो अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम फाइंड करेंगे, तो 1 अपॉन 7 को डिवाइड करके हमें चेक करना पड़ेगा, पहले भी हम चेक कर चुके हैं। देखो स्टूडेंट, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन 1, 4, 2, 8, 5, 7 और उसके बाद फिर ये स्टार्ट होगा, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्योंकि ये 2 की पावर एन 5 के पावर एन के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हुआ इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन यहाँ पे इसकी सबसे ज्यादा जो हेल्प मिलेगी हमें वो टर्मिनेट से मिलती है। आप टर्मिनेट्स या नॉन टर्मिनेट फाइंड करने के लिए सिंपली आप और आप डिवाइड किए बिना भी अगर आपसे पूछा जाए कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा तो आप जो उसका डिनोमिनेटर क्यू है उसके प्राइम फैक्टर करके ये चेक कर लेंगे कि वो 2 की पावर एम 5 की पावर एन की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है या नहीं। अगर वो हो सकता होगा तो डेफिनेट टर्मिनेट्स होगा, नहीं हो सकता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकूरिंग आएगा। इसी के साथ हम ये हमारा सेकंड पॉइंट था, थर्ड पॉइंट पर बात कर लेते हैं। अगर डेसिमल एक्सपेंशन किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है और 2 की पावर एन 5 की पावर एन की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है तो वो रेशनल नंबर होगा। ये इसका ही कन्वर्स है, इसमें क्या है रेशनल नंबर है एक्स कोई भी, एक्स को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा गया है, क्यू 2 की पावर एन 5 की पावर एन की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। इसके अलावा इसके कन्वर्स ही, अगर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो क्यू को हम 2 की पावर एम 5 की पावर एन के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकेंगे और नंबर हमारा रेशनल नंबर क्या है। तो ये लास्ट टॉपिक हो जाता है स्टूडेंट, इसी के साथ ये चैप्टर हमारा पूरा हो जाता है रियल नंबर का फर्स्ट चैप्टर। इसमें जो भी आपके डाउट और जो आपकी क्वारियां रहेंगी उसको आप कमेंट में छोड़ना, हम एग्जाम्पल की हेल्प से आपका सॉल्व करके नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करेंगे। थैंक यू।